आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब काबीना इजलास में लाहौर वाक़े पर बरस पड़े। पूछा, वुकला ऐवान अदल से निकलकर हजूम की सूरत में PIC कैसे पहुंच गए? वज़ीर आला पंजाब ने सवाल किया, क्या पुलिस या इंतजामिया सो रही थी? वाक़े में मुलाविस किसी शख्स को क्यों नहीं छोड़ा गया? IG ने ब्रीफिंग बताया कि 34 वकला को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि लाहौर में रेंजर्स भी तलब कर ली गई है। मैविज सुहेल हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, सवाल से मजीद बात करेंगे। मैविज बताए, वज़ीर आला पंजाब सूरत हाल पर आज काफी बरहम हुए, किसने जिम्मेदारी ओन की है, किसकी वजह से ये गफलत का वाक़या पेश आया? जी बिल्कुल, PIC वाक़े में मुलव्वस 34 वकला को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाक़े में मुलव्वस किसी भी शख्स को रियायत नहीं दी जाएगी, ये कहना है वज़ीर आला का। और वीडियो की मदद से तमाम मुलव्वस जो अफराद हैं उनकी निशानदेही भी की जा रही है। और वज़ीर आला पंजाब का अमन व अमान कमेटी के इजलास में कैबिनेट इजलास में इंतजामिया जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालती रही है। PIC में सोचना वाक़े इंतजामिया की नाअहली और कोऑर्डिनेशन ना होने के बाद पेश आया। वकला जो है वो ऐवान अदल से निकलकर बड़े हजूम की सूरत में PIC कैसे पहुंच गए, और इजलास में वज़ीर आला का ये सवाल था और इंतजामिया सो रही थी। इजलास में वज़ीर आला की बरहमी और डॉक्टर वकला के माबेन मामला को इंतजामिया की पिछली टीम देख रही थी। ये ब्रीफिंग दी गई है उनको, इंतजामिया तब्दील होने से नई इंतजामिया ने मामला की नजाकत को जाना नहीं और नई इंतजामिया ने मामले को संजीदगी से देखा नहीं। की तमाम से बातें सही। मैं भी सुहेल, सारी सूरत हाल से आप आ करी थी, बहुत शुक्रिया आपका।